यो गाइस, तो थार प्यार और बिजली रिलीज हो गए और मैं जस्ट अभी ही देख के आया और आके सीधा वीडियो बनाने चालू कर दी। चश्मे भी नहीं उतारे, स्मार्ट लग रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मूवी कैसी है? अगर मेरे को एक एक्सप्रेशन से मूवी बतानी है कैसी है, तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक ही है। जो भी मैंने मूवी में देखा वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले देखा हुआ है, और वो जो पहले देखा हुआ है वो इससे बेटर था। लोगों को मार्वल से एक ही कंप्लेंट रहती है कि वो सेम ही चीज़ दिखाते हैं, हर चीज़ रिपीटेटिव होती है। ये मूवी भी वही कैटेगरी में आती है, मतलब वही एकदम चीज़ी कॉमेडी मूवी जो बच्चों के लिए बनी हो। पूरी मूवी एकदम ही कलरफुल, अपबीट म्यूजिक जो कि कोजी वाइब दे, गुड वाइब दे वैसा वाला म्यूजिक, और एकदम हैवी एक्शन। पर ये मूवी में तो वो भी नहीं था। सिंपल और सादे तरीके से बताना हो तो जो आप मार्वल मूवी से एक्सपेक्ट करते हो सेम वही है, इसके अलावा कुछ भी नया सोचना हो। मेरे को डॉक्टर साहब इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इससे ज़्यादा सही लगी, कम से कम कुछ तो नया था। मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब थिएटर में घुस रहा था देखने के लिए पिक्चर, तो मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब मैं जीरो एक्सपेक्टेशन लेके गया। और ये चीज़ मैंने मेरी शॉर्ट वाली वीडियो में भी बोली, फिर भी मेरे को मूवी जब खत्म होने वाली थी, क्लाइमेक्स चल रहा था, तब मैं ये सोच रहा था घर जाके मैं रिव्यू बनाऊँ इस पर कि नहीं बनाऊँ। सोच रहा था कि मैं इस पर क्या ही बोलूँगा, मतलब सब तो सेम है, तो इसमें बोलने लायक नया क्या है। तो आज मैं कोई नए थिएटर में मूवी देखने गया तो सालों ने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया। हैशटैग मार्वल की मूवी वहाँ कभी नहीं देखने जाऊँगा। एक और चीज़ है, मूवी में उन लोगों ने दो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया है, क्रिस्टन बेल, रसल क्रो, उन्होंने यार पूरी तरह इनको वेस्ट कर दिया। ये सोच रहा हूँ इतने बड़े एक्टर्स को कास्ट किया, पैसे दिए इतने सारे, उसका मतलब क्या था जब तुमको उनका काटना ही था पिक्चर में? यार तुम लोगों ने क्रिस्टन बेल जैसे एक्टर को कास्ट किया, और ये बंदे को तुम जो बोलो वो कर देगा, और तुम उनसे ये काम करा रहे हो? जो लोग कॉमिक बुक्स को फॉलो करते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ के होंगे। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मूवी को क्रिटिसाइज़ कर दिया। मैं मार्वल और एमसीयू का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। नर्ड्स होते हैं ना, मैं वही कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, भले मैंने कॉमिक्स बुक आज तक नहीं पढ़ी है। और अगर तुम कोई चीज़ के बहुत बड़े फैन हो और तुम कुछ ऐसा देखो तो मतलब बुरा तो लगता है। अगर कोई अच्छी बात बतानी हो मूवी की तो वो एक ही एक कॉमेडी, हर एक सीन में कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग है जो आपके फेस पे स्माइल ले आएंगे, आपको हंसाएंगे, और वो चीज़ अच्छा काम करती है। बाकी एक्शन ओवर द टॉप नहीं है, काम चलाने जितना ही है, पर ठीक है। अब एक लास्ट फाइनल सवाल, क्या मूवी रिकमेंडेड है? तो अगर आप मार्वल के फैन हो तो आप ऑब्वियसली मूवी देखने जाने वाले हो, कई लोगों ने तो देख भी ली होगी, पर सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। बाकी लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आपको वीकेंड में कोई फैमिली मूवी देखनी है या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है तो ये परफेक्ट चॉइस है। तो आप फैमिली के साथ मूवी देखने जाओगे तो मज़ा आएगी, हंसी आएगी, खुश होगे आप, और वही इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो मूवी को। और जाने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, वीडियो अगर अच्छी हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मूवी पहले से ही देख ली हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी, और जो जो चीज़ें भी मैंने बोली वीडियो में क्या आप उससे सहमत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride.